गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, ठीक है, अपने घर पर ही होंगे। ठीक है, तो आज जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी किसकी क्लास है? मैथ्स की। ठीक है, तो आज हम मैथ्स की एक नई वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ये वर्कशीट किस पे बेस्ड है? प्लेस वैल्यू पे। ठीक है, प्लेस वैल्यू पे पूरा बेस्ड है ये, प्लेस वैल्यू, नंबर नेम। ठीक है, आप सब ने ये पिछली क्लास में कंप्लीट कर रखा है, आप सबको आता भी होगा। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और एक छोटी सी 10 क्वेश्चन की वर्कशीट है, इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आप सबको कंप्लीट करनी है। और स्टूडेंट, जो जो आपको काम दिया जा रहा है, जैसे आपको जो ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है अब, ठीक है, तो इसके जो भी आप आंसर्स हैं नोट करिएगा। कल मैं आपको, ठीक है, जब भी क्लास का हमारा टाइम होगा, मैं आपको कहूँगा कि आप अपने आंसर सेंड करिए मुझे, ठीक है, ताकि मैं देख सकूँ कि आप लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर मेरा जो वैसे वीडियो बनाना बेकार है या पढ़ाना बेकार है फिर। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है इस क्लास का। ठीक है, अगर आप किसी काम नहीं कर रहे हैं तो कोई भी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्या है टॉपिक। ठीक है, ये है हमारी आज की वर्कशीट। ठीक है, प्लेस वैल्यू पे बेस्ड है। आप सबको प्लेस वैल्यू पता है कि कहाँ से स्टार्ट होती है? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लैख। ठीक है, दोबारा देखते हैं एक बार। वंस मतलब वन, टेंस मतलब टेन, हंड्रेड्स मतलब हंड्रेड, थाउजेंड थाउजेंड, 10,000, 10,000, लैख, 1 लैख, 10 लैख और 10 लैख। ठीक है, इन सब की वैल्यू पता लग गई आपको कि वंस की वैल्यू कितनी होती है, 10,000 की वैल्यू कितनी होती है। जैसे कि एक नंबर है हमारे पास ये वाला, ठीक है, इसको अरेंज करना है हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में। सबसे पहले हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से। ठीक है, तो क्या होता है ये? वंस होता है, ये टेंस होता है, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख। ठीक है, तो नाइन कहाँ आएगा? वंस वाले में। फोर कहाँ आएगा? हंड्रेड में। एट कहाँ आएगा? हंड्रेड में। ठीक है, फोर आएगा टेंस में, सॉरी। ठीक है, और एट आएगा हंड्रेड में। सेवन आएगा थाउजेंड में। फोर आएगा फोर में, 10,000। ठीक है, और थ्री आएगा हमारा किस में? लैक्स में। तो क्या नंबर नेम बनेगा ये? सॉरी, 3,47,849। दोबारा देखिए, 3,47,000, ठीक है, 849। आगे आप सबको समझ में? एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है? ठीक है, एक्सपेंडेड मतलब सम की तरह, मतलब प्लस करके इन सबको कैसे लिखा जाएगा। मान लीजिए एक नंबर है ये वाला, ठीक है, 74,329। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम इसे प्लेस वैल्यू में अलग कर देंगे। नाइन वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। ठीक है, नाइन वंस, टू टेन, थ्री हंड्रेड, फोर थाउजेंड, सेवन 10,000। ठीक है, तो नाइन वंस मतलब नाइन मल्टीप्लाई बाय वन इक्वल टू नाइन, टू टेन मतलब टू मल्टीप्लाई बाय टेन, ट्वेंटी, टू टेन जै ट्वेंटी। ऐसी थ्री हंड्रेड मतलब थ्री मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड, 300। फोर थाउजेंड मतलब फोर मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड। ठीक है, सेवन 10,000 मतलब सेवन मल्टीप्लाई बाय 10,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सबको प्लस की फॉर्म में लिख देंगे, ऐसे ऐसे 70,000 प्लस 4,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 9। ठीक है, आए समझ में आपको? हो गया पूरा हमारा ये एक्सपेंडेड फॉर्म में। नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना स्टूडेंट्स, आप पूरी वीडियो देखा कीजिए, ठीक है, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो आपको। जो भी चीज़ समझ में ना आए आप पीछे करके दोबारा देख सकते हैं उसको, ठीक है।
एक और एग्जांपल ये वाला है, आप देख लेना, अगर समझ में ना आए तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। ठीक है, ऐसे अगर नंबर नेम में दे रहा होगा तब भी आप लिख लेंगे, 7,91,95,615। ठीक है, तो 7 किस में आएगा, लैख में, 95,000, 95,000 मतलब 9 और 5 है, तो 9 किस में जाएगा, 10,000 में, और 5 आएगा 1,000 में, 600 ये रहा, 15 मतलब 1,5, तो 1,10 पे, 5,1 पे। ठीक है, आगे समझ में, 89,007, 89,000 है, मतलब 8 और 9 है, तो 8 किस पे आएगा, 80, 80 मतलब 8, 10,000, 9 मतलब 9,000। ठीक है, और 7 वंस पे, ना इसमें वन क्योंकि इसमें हंड्रेड नहीं है, टेंस नहीं है। बढ़े आगे, आप सबको देखो इसमें क्या करना है, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको नंबर लिखना है इसमें, 81,88,65,482, 8 लाख। सबसे पहले आप क्या करेंगे समझने के लिए, आप प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेना एक, ठीक है, जैसे प्लेस वैल्यू चार्ट बना हुआ है इस तरह बना लेना है, उसके बाद इन वैल्यूज को फिल करते रहना। ठीक है, जैसे कि अगर ऊपर वाले में फिल करें 8 लाख, तो 8 कहाँ आएगा, यहाँ पर लाख वाले कॉलम में 65,000, तो 6 यहाँ आएगा और 5 यहाँ आएगा, उसके बाद 400, 100 में आएगा 4, 82, 82 मतलब 8, 10 में और 2 वंस में। तो क्या नंबर बनाइए पूरा हमारा, 8,65,482। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। पहले चार्ट बना लेना, उसमें फिल करते जाना, आपको इजी हो जाएगा करना, ठीक है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। अब आपको प्लेस वैल्यू बतानी है इनकी, जिस डिजिट के नीचे अंडरलाइन हो रखा है उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। जैसे इस डिजिट के नीचे 3 पे अंडरलाइन हो रखा है, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, उसके लिए मेरा चार्ट बनाना चाहिए हमारा, 1, 10, 100, 1,000। तो 3 किस पे है, थाउजेंड्स पे, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 1,000 कितना आ जाएगा, ये 3,000। तो यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 3,000। ऐसे ही इसमें 8 किस पे है, 1, 10, 100, तो 8 की वैल्यू क्या हो गई, 8 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 800। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, नंबर नेम लिखना है आपको, वही प्लेस वैल्यू काम आएगी इसमें भी, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, तो क्या नंबर बनेगा इसका, 51,479। ठीक है, ऐसी बाकी हो जाएंगे। क्या करना है देखो, मेक अ प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर द फॉलोइंग नंबर, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है एक, ठीक है, एक पूरा चार्ट बना लेना, 1, 10, 100, 1,000, टेन थाउजेंड, ठीक है, लैख, 10 लैख, ठीक है, चार्ट बना लेना पूरा, और इन सबको उसी के नीचे कर देना, ए बी सी करके। ठीक है, आगे समझ में, जैसे ये वाला नंबर है तो 8 यहाँ आ जाएगा, 4 टेंस में आ जाएगा, 300 में आ जाएगा, 0,000 में आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 7,20,348, ऐसे बी वाला इसके नीचे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करना है, आपको एक पैटर्न कंप्लीट करना है, आपको नंबर समझना है कि किस तरह से ये नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, किस तरह से ये नंबर बढ़ रहे हैं, आपको उसे कंप्लीट करना है।
ठीक है। जैसे कि इसमें क्या बढ़ रहा है, इसमें हंड्रेड हंड्रेड बढ़ रहे हैं, तो इसमें अगला नंबर हंड्रेड आगे बढ़ा के ऐड करके लिख देंगे, जैसे कि 85,949, ठीक है। फिर क्या आएगा, 86,049। इसी तरह इसमें क्या बढ़ रहा है, देखिए यहाँ ज़ीरो था, यहाँ वन हो गया, यहाँ टू हो गया, तो वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, इन सब में टेन थाउजेंड ऐड हो रहा है। तो इसमें टेन थाउजेंड ऐड करेंगे यहाँ आ जाएगा, फिर इसमें टेन थाउजेंड ऐड करेंगे ये वहाँ आ जाएगा, फिर इसमें टेन थाउजेंड ऐड करेंगे वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको वही प्लेस वैल्यूज फिल करनी है, टेन थाउजेंड, ठीक है। क्यों क्या आएगा, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, फाइव टेन थाउजेंड एट थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री, ठीक है, समझ गए। ऐसे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है, नाइन लैख, ठीक है। सेवन देखिए, राइट द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर इन वर्ड्स। ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर क्या होगा, फाइव टाइम्स नाइन, जब भी ग्रेटेस्ट पूछे तो नाइन होता है, ठीक है। और कितने डिजिट का, जितना उसने पूछा हो, अगर फाइव डिजिट का पूछा हो तो फाइव टाइम्स नाइन, फोर डिजिट का पूछा हो तो फोर टाइम्स नाइन, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर कौन सा है, नाइन 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 नाइन, ठीक है। इसका नंबर नेम बताना है आपको, ईजी है। एट क्वेश्चन देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट सेवन डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट सेवन डिजिट नंबर बताना है आपको, स्मॉलेस्ट पता करने का सबसे इजी तरीका क्या है, स्मॉलेस्ट कितने डिजिट का पूछ रहा है वो, सेवन, तो वन लिख लो, और सेवन माइनस वन, और इससे एक कम यानी कि सिक्स, सेवन से एक कम कितना होता है, सिक्स, उसमें जीरो लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट सेवन डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट में उतने नाइन लगाएंगे, और स्मॉलेस्ट में वन लगा के उस डिजिट से एक कम जीरोस लगा देंगे, इसका नंबर नेम लिखना है आपको, ठीक है। ये देखिए शॉर्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है आपको, क्या करेंगे, प्लस दे रखा है, तो इन सब नंबर्स को प्लस कर देना। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, और इसको मल्टीप्लाई, फिर इन सबको प्लस कर देंगे हम, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है आज, अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है, मैं कल देखूंगा सबके आंसर, ठीक है। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, ठीक है, सबका ध्यान रखिए, थैंक यू।